जब आप ये काम स्टार्ट करते हो फिर आप पैसे तो कमाने लगते ही हो, साथ में इनकी रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की हेल्प से आपका कम्युनिकेशन स्किल और सेलिंग स्किल बहुत अच्छा होने लगता है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग वर्ल्ड में कम समय में अमीर बनने के लिए ये दो स्किल्स सबसे जरूरी स्किल्स बन चुका है। दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब्स के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे तीन ऐसे पार्ट टाइम वर्क जिसे आप अपने फ्री टाइम में या फिर जॉब के साथ कर सकते हो और हर महीने 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम आराम से कमा सकते हो। ये काम कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो। ये तीनों पार्ट टाइम वर्क एक तरह का स्मॉल बिजनेस है जिसे कोई भी कभी भी बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकता है। मैं जब भी कोई पार्ट टाइम जॉब का वीडियो डालता हूँ 30-40 ऐसे कमेंट आ ही जाते हैं कि आप कोई ऐसा पार्ट टाइम वर्क बताइए जिसे सिर्फ फोन से किया जा सकता हो, कोई ऐसा पार्ट टाइम वर्क बताइए जो ऑफलाइन हो, टेक्निकल स्किल की जरूरत ना पड़े। इसीलिए ये तीनों पार्ट टाइम वर्क बिल्कुल ऐसे ही हैं, जिसमें पहला सिर्फ फोन से किया जा सकता है एकदम अच्छे से, दूसरा एक ऑफलाइन प्रोफेशनल वर्क है जिसे कोई भी 10वीं पास बिना किसी टेक्निकल स्किल के कर सकता है, और तीसरे वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इन तीनों पार्ट टाइम वर्क में इतनी पोटेंशियल है कि आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। दूसरे और तीसरे वर्क में तो आप फुल टाइम करियर भी बना सकते हो। इन तीनों पार्ट टाइम वर्क को वन बाय वन करके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे काम करना है, कितना एग्जैक्ट कमा सकते हो, फ्री ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, सब डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में जो पहला पार्ट टाइम वर्क है वो है जीएमबी लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। जीएमबी का मतलब है गूगल माई बिजनेस। ये बहुत ही आसान काम है, कोई भी अपने फोन से बिल्कुल फ्री में कर सकता है और रोज का 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक कमा सकता है। जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं किराना स्टोर नियर मी, मेडिकल स्टोर नियर मी, एटीएम नियर मी, कुछ भी, तो गूगल जितने भी हमारे आसपास वो चीजें होती हैं उनका एड्रेस, रिव्यूज, फोटो, कॉन्टेक्ट नंबर सबके साथ फ्रंट पेज पर लाकर रख देता है और हमें वो चीजें आसानी से मिल जाती है जो हम अपने आसपास सर्च कर रहे होते हैं। आज हर 10 में से 9 लोग जब भी उन्हें कोई बिजनेस या सर्विस की जरूरत पड़ती है तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। आपने सुना ही होगा, जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं मतलब उसका बिजनेस ही नहीं। आज के समय में छोटी पान की दुकान से लेकर बड़े शॉप, मॉल, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, बड़े बड़े बिजनेसेस, सबको ऑनलाइन जीएमबी पर लिस्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके मैक्सिमम कस्टमर दूसरों के पास चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, कैसे अपने बिजनेस सर्विसेज को गूगल माय बिजनेस पे अच्छे से ऐड करना है ये चीज सबको नहीं पता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी होता है तो वो अच्छे से ऐड नहीं कर पाते हैं, कई बड़े बड़े मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे बिजनेस टाइटल सही से नहीं लिख पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अच्छे से ऐड नहीं कर पाते हैं फोटो के साथ, कई यूजर ऐड कर देते हैं, बिना जरूरत के सर्विस एरिया जोड़ देते हैं, ऐसे कई गलतियां करते हैं जिससे उनका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है या फिर सर्च में ही नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी लोकल बिजनेस का सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा रीजन गूगल माई बिजनेस होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जीएमबी लिस्टिंग सीखना है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में आप सीख सकते हैं यूट्यूब से फ्री में हिंदी में। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस कोर्स इन हिंदी तो आपको कई मिनी कोर्स, कंप्लीट कोर्स, एक एक फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा 4-4 घंटे का, जिसमें सभी टिप्स एंड स्ट्रेटजी बताए गए हैं कैसे आप अच्छे से जीएमबी लिस्टिंग कर सकते हैं, वहां से आपको सीख लेना है। अब जीएमबी लिस्टिंग सीखने के बाद आपका असली काम यहाँ शुरू होता है। आपको क्या करना है, अपने आसपास की जितनी भी दुकान, स्कूल, मैकेनिक, टैक्सी वाले, डीजे वाले, टेंट वाले, मिठाई बनाने वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, जितने तरह के लोग हैं जिनका कोई सर्विस है या बिजनेस है जो अभी तक जीएमबी लिस्टिंग नहीं किए हैं या फिर किए भी हैं तो अच्छे से नहीं किए हैं, उनका एक आपको लिस्ट बनाना है और रोज आपको 2-3 लोगों से कॉन्टेक्ट करना है, उनको अपना ऑफर बताना है कि आप उनके बिजनेस का जीएमबी लिस्टिंग करके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएंगे, जिससे उनका बिजनेस पॉपुलर होगा, ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। इस काम के लिए आप आराम से किसी भी लोकल बिजनेस ओनर से 500 से लेकर 1000 तक चार्ज कर सकते हो हर एक जीएमबी लिस्टिंग का। और अगर आप अपने फ्री टाइम में डेली का 2 लिस्टिंग भी कर देते हो, हर एक लिस्टिंग का 500 भी चार्ज करते हो, तो डेली का 1000 रुपीज पार्ट टाइम कमा लोगे और महीने का 30,000 रुपए। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि किस लेवल के लोकल बिजनेस ओनर से कितना चार्ज करना चाहते हो। ये एक ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस है जिसे फ्री में स्टार्ट किया जा सकता है सिर्फ फोन से और पहले दिन से ही कमाई शुरू। लेकिन हाँ, आपको इस बिजनेस में थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करना होगा आपको ये पता लगाने में
कि आपके आसपास ऐसे कितने लोकल बिजनेस ओनर्स हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अभी तक अपना जीएमबी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं किए हैं, उनसे बात करने में और उनसे डील लेने में। इस पार्ट टाइम बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है, आज के समय में आप जिन लोकल बिजनेस ओनर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स का जीएमबी लिस्टिंग कर रहे हो वो आपका परमानेंट कस्टमर है। आगे चलकर अगर इन लोग को अपना वेबसाइट बनवाना हो, फेसबुक पेज बनवाना हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कराना हो तो सबसे पहले ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और अगर आपको ये काम आता है तो आप इनके लिए ये काम करके पैसे ले सकते हो या फिर दूसरों से करवा कर बीच का कमीशन कमा सकते हो। तो इस तरह ये लोग आपके लिए परमानेंट कस्टमर हैं। ये तो था पहला पार्ट टाइम वर्क जिसमें आप दूसरों के लिए जीएमबी लिस्टिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे पार्ट टाइम वर्क की। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे पार्ट टाइम वर्क है वो है इंश्योरेंस एजेंट। कोई भी 10वीं पास जिसका एज कम से कम 18 साल का हो इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। इसमें कमाई की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड कमा सकते हो। अगर आप अपने फ्री टाइम में डेली 2 घंटे भी मन से काम करते हो तो आप हर महीने के 10 से 15,000 रुपए कमा लोगे। सबसे अच्छी बात ये है, एक बार आपने कोई पॉलिसी बेच दी तो उसके जितने भी प्रीमियम भरते चले जाते हैं उसमें आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है और रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी एक पॉलिसी बेच दिए तो उसका कमीशन कई सालों तक मिलता रहेगा। इंश्योरेंस एजेंट का वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल रहता है, यानी आप जब चाहो तब काम कर सकते हो। मेरे घर के पास एक लड़का है, वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। इसी फील्ड में काम करते करते उसका कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल बहुत अच्छा हो गया है। वो जब भी कभी भी कहीं भी किसी भी नए लोगों से मिलता है तो बातों बातों में लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बताता है कि ये कितनी जरूरी है आज के समय में फैमिली के लिए, और फिर वो अपना LIC का प्लान बताता है लोगों को और पॉलिसी बेच देता है। इस तरह महीने का कई पॉलिसी बेचकर काफी अच्छा पैसा कमाता है। बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जैसे LIC, बजाज एलियंस, ICICI इंश्योरेंस जैसे कई स्कीम्स हैं जो इंश्योरेंस एजेंट को ऑनरोल करती हैं। आप इनके किसी भी ऑफिस में जाकर डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलकर एज अ इंश्योरेंस एजेंट जुड़ सकते हैं। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने कंट्री का स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है। लगभग 60 सालों से ज्यादा LIC को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो चुका है। LIC का नाम ही काफी है, जिस तरह लोग भारतीय डाक बैंक पर ट्रस्ट करते हैं वैसे ही LIC पर ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप LIC में एज अ इंश्योरेंस एजेंट ज्वाइन करना चाहते हैं फिर इसमें आपको एक बार 500 या 1,000 देना होता है, जिसमें आपकी एक IDRA की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको एक एग्जाम देना होता है, जब आप उस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और ID कार्ड मिलता है और आप LIC का इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएंगे उतना ही आप कमीशन कमाएंगे। जब आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हो फिर आप पैसे तो कमाते ही हो, साथ में इनकी रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की हेल्प से आपका कम्युनिकेशन स्किल और सेलिंग स्किल बहुत अच्छा होने लगता है। सेलिंग स्किल यानी कुछ भी बेचने की कला, और आज के इस कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग वर्ल्ड में कम समय में अमीर बनने के लिए ये दो स्किल्स सबसे जरूरी स्किल्स बन चुका है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग शिव खेरा सर को जानते होंगे। शिव खेरा सर इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उनका बुक जीत आपकी काफी पॉपुलर थी, शायद आपने पढ़ा भी होगा। ये भी एक इंश्योरेंस एजेंट थे और इन्होंने करोड़ों रुपए कमाया इस फील्ड में। अगर मैं आपको इंडिया के टॉप LIC एजेंट का कमीशन बताऊं तो आप इनसे मिलिए। ये हैं भरत पारिख, ये 4 करोड़ हर साल कमाते हैं कमीशन। और इनसे मिलिए, ये हैं रवि जेठानी, ये हर साल 3 करोड़ कमाते हैं LIC कमीशन, जो कि LIC के चेयरमैन के इनकम से भी ज्यादा है। इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट की अर्निंग अनलिमिटेड होती है। एक LIC एजेंट को समय समय पर ट्रेनिंग, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर पाए। यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आप ऑल ओवर इंडिया में छोटे बच्चों से लेकर 50 साल 60 साल के भी लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हो। दोस्तों ये तो था अपना दूसरा पार्ट टाइम वर्क जिसमें आप इंश्योरेंस एजेंट बनकर बिना किसी टेक्निकल स्किल के, ज्यादा क्वालिफिकेशन के, डेली 2-3 घंटे काम करके महीने का 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक कमा सकते हो। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा टाइम देते हो तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे पार्ट टाइम वर्क की। इस लिस्ट में जो तीसरा पार्ट टाइम वर्क है वो है वेब डेवलपमेंट सर्विस। अगर आप एक वेबसाइट बना सकते हो तो भाई आज के समय में आप एक गोल्ड हो, लिटरली गोल्ड। सबसे अच्छी बात यह है, आपको बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, बहुत ही सिंपल टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट जिसमें आपका समय भी बहुत कम जाएगा लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अपने इस प्यारे भारत में मैक्सिमम रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, सर्विस सेंटर
कि जो वेबसाइट है वो बहुत ही बेकार सी वेबसाइट है या फिर है ही नहीं। इंडिया में लोकल बिजनेस ओनर, सर्विस प्रोवाइडर, शॉप वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो अपना खुद का एक सिंपल सा वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब ये लोग एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने के लिए बड़े बड़े वेब डेवलपमेंट कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं और कंपनी वाले अच्छा खासा बजट बना देते हैं। वो लोग 30-40 हज़ार का कोटेशन दे देते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोकल बिजनेस ओनर, सर्विस प्रोवाइडर अपना वेबसाइट ही नहीं बनवाते हैं। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे सिंपल वेबसाइट हो, स्टैटिक वन पेज की, या फिर कई तरह के फीचर वाली वेबसाइट हो। मात्र 2 से 3 दिन में 1500 रुपए खर्चे में बना सकते हो। और आप एक वेबसाइट बनाने का इन लोगों से 4000 रुपए, 5000 रुपए भी चार्ज करते हो तो ये लोग आपको आराम से पे कर देंगे और आप एक वेबसाइट में 3500 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। और अगर आप ऐसे महीने में 10 वेबसाइट बना देते हो तो आप 35 से 40 हज़ार रुपए पार्ट टाइम कमा लोगे। अगर आपको ऑलरेडी वेबसाइट बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पार्ट टाइम वर्क को करना चाहते हैं, जिन्हें वेबसाइट बनाना नहीं आता है, उन लोग के लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना 10 से 15 दिन में सीख जाओगे। वर्डप्रेस एक ऐसा फ्री ऑनलाइन टूल है जिसकी हेल्प से आप बिना किसी कोडिंग स्किल के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ टेम्पलेट प्लगइन इंस्टॉल करके हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो बहुत कम समय में। अब कैसे आप लोग वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना फ्री में सीख सकते हो हिंदी में, इसके लिए मैंने स्किल्सिया चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वर्डप्रेस फ्री में कैसे सीखें। उस वीडियो में मैंने एक 24 घंटे का कोर्स बताया है हिंदी में, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको एब्जेक्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना सीख जाओ, फिर आपको क्या करना है, अपने आसपास से स्टार्ट करना है। जितने भी लोकल बिजनेस ओनर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे डील करो और वेबसाइट बनाने का काम लो। आपको अपने आप लोग कॉल करेंगे। अगर आप गूगल माई बिजनेस पे अपना सर्विस लिस्ट कर देते हो और अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हो, फिर जितने भी लोकल बिजनेस ओनर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको शेयर कर देते हो, तो इस तरह ऑटोमेटिक आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे वेबसाइट बनवाने के लिए। विजिटिंग कार्ड 500 रुपए में 200-300 पीसेज बन जाते हैं। ये तो तरीका था ऑफलाइन काम लेने का। आप वर्डप्रेस सीखने के बाद ऑनलाइन भी काम ले सकते हो। पीपल पर आवर, अपवर्क, फाइवर, ये दुनिया के टॉप फ्रीलांसिंग साइट्स है। यहां से भी आपको वर्डप्रेस का काम मिल जाएगा ऑनलाइन। बस आपको सीखना है कैसे काम लेना होता है इन फ्रीलांसिंग साइट से। तो दोस्तों, ये तो थे वो 3 ऐसे पार्ट टाइम वर्क जो आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज किए गए थे। जैसे पहले में केवल फोन से किया जा सकता है, दूसरे पार्ट टाइम वर्क में कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, और तीसरे में टेक्निकल स्किल की जरूरत है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक नए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।